ये कहानी है महेंद्रगढ़ के रास्ते में आने वाली उस शापित हवेली की, जहां जो भी गया वो कभी लौट कर नहीं आया। कहते हैं कई साल पहले एक माँ और उसकी बेटी की हत्या उसके रिश्तेदारों ने उस हवेली के लालच में कर दी थी। उस हवेली के चर्चे दूर दूर तक थे, कोई भी उस तरफ जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी कुछ लोग जानबूझकर मौत के मुंह में चले ही जाते थे। अरे भाई क्यों डरा रहे हो मुझे यार, उस शापित हवेली की कहानी सुनाकर। मैं डरने वाला नहीं हूँ, ये सब कोरी बकवास है, अफवाह अफवाह समझे। मुझे तो लगता है कि उस हवेली में कोई गलत काम होता है। मैं आज ही वहां जाऊंगा और उस रोती हुई हवेली का सच सबके सामने लाऊंगा। राजेंद्र लोगों की बातों को अनसुना कर उस हवेली की तरफ चला तो गया, लेकिन वो कभी वहां से वापस नहीं आया। अब क्या कहें भाई, कितना समझाया था मैंने राजेंद्र को, लेकिन वो बड़ा बहादुर बन रहा था। अब भरी जवानी में चला गया, अपने दो दो बच्चों को अनाथ कर गए। कुछ दिनों के बाद की बात है, शिवानी अपने तीन दोस्तों रागिनी, अभय और सुशांत के साथ महेंद्रगढ़ के रास्ते से ही लौट रही थी। उन लोगों को उस शापित हवेली के बारे में कुछ पता नहीं था। रात का समय था, उनकी कार तेज रफ्तार से उसी रास्ते से गुजर रही थी और वो कार के अंदर अंताक्षरी खेल रहे थे। शिवानी तेरी बारी है, ग से गाना गा। ग से 10 9 8 7 यस 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 आ गया आ गया आ गया। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। अचानक उनकी कार चीं की आवाज के साथ उस हवेली के पास रुक गई। ओए अबे क्या हो गया, इतनी जोर से क्यों ब्रेक मार दी? लगता है टायर पंचर हो गया, कुछ नुकीली चीज लगता है टायर के नीचे आ गई। चलो भाई लोग कार से निकलो बाहर, स्टेप नहीं लगाते हैं। वे सभी कार से बाहर उतरे और जैसे ही वो बाहर निकले सभी के सभी शॉक्ड रह गए। कार के चारों पहिए पंक्चर हो गए थे। ये तो गजब हो गया, एक साथ चारों टायर पंचर हो गए। तभी सभी की नजर कार के पहियों से लिपटे अजीब से पेड़ पर गई। उन्होंने आज तक वैसे कांटेदार पेड़ नहीं देखे थे। यार अभय ये कैसा अजीब तरह का पेड़ है, इनकी शक्ल बिल्कुल तेरे से मिल रही है। रागिनी की इस बात पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। हो गया तेरा, कर लिया मजाक। अरे इतनी रात को इस सुनसान जगह से कैसे निकलेंगे, ये सोचो भाई, मजाक तो कल भी उड़ा सकती हूँ मेरा। वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक जोरों से बारिश शुरू हो गई। ये लो अब ये बारिश कहाँ से आ गई। वो कार के अंदर बारिश से बचने के लिए जा ही रहे थे, तभी शिवानी की नजर उस हवेली पर गई। उस हवेली से सफेद दूधिया रोशनी आ रही थी। अरे भाई लोग वो देखो, लगता है कोई हवेली है, चलो हम लोग वही चलते हैं। उसके मालिक से रात भर वही रुकने की रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आज रात तो हम यहाँ से निकलने से रहे। वे सभी भागते हुए हवेली के पास पहुँचे। हवेली के दरवाजे पर बहुत बड़ा मकड़ी का जाला लगा हुआ था और उस पर एक बहुत ही बड़ी मकड़ी चल रही थी। इसे देखकर तो लगता है कि इस हवेली में सालों से कोई नहीं आया, और तू कह रही थी कि यहाँ पर हम सब रात बिताएंगे। यार भले ही इसके दरवाजे पर मकड़ी का जाला लगा है, लेकिन हवेली के अंदर से ये रोशनी कहाँ से आ रही है, जरूर अंदर कोई ना कोई तो है। वे लोग काफी देर तक दरवाजा पीटते रहे और अंदर किसी को आवाज देते रहे। लगभग आधे घंटे के बाद हवेली का दरवाजा खुला और एक छोटी सी बच्ची बाहर निकली। उस बच्ची की आंखें लाल और बाल खुले हुए थे। वो सभी उस लड़की को गौर से देख ही रहे थे। तभी उस लड़की ने कहा, किससे मिलना है आपको? अरे वो मिलना नहीं है हमें, वो क्या है ना कि हम इधर से गुजर रहे थे तभी हमारी कार खराब हो गई, और बाहर देख रही हो ना कितनी जोरों की बारिश हो रही है, इसलिए हम चाह रहे थे कि अगर आज रात हम सब यहीं रुक जाते तो। क्या शिवानी ये तो छोटी बच्ची है, तू इस बच्ची को क्या बता रही है? अच्छा बेटा तुम्हारी माँ है क्या, उन्हें बुला लाओ, हम उनसे सारी बातें कर लेते हैं। माँ सो रही है, उन्हें जगाना ठीक नहीं है, आप लोग अंदर आइए, मैं आप लोगों के रहने का इंतजाम करती हूँ। वो चारों हवेली के अंदर गए। हवेली के गेट पर भले ही मकड़ी ने जाला बना लिया हो, लेकिन अंदर से वो हवेली इतनी भव्य और खूबसूरत थी कि उन चारों दोस्तों के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। अभय ने तभी अपने दोस्तों की ओर छोटी उंगली उठाकर सुसु का इशारा किया और वॉशरूम चला गया। यार शिवानी ये तो अद्भुत हवेली है, पुराने जमाने के राजा महाराजाओं के जैसी, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली,
किसकी होगी आलीशान हवेली? दोनों बातें कर रहे थे तभी अभय के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। शिवानी, सुशांत, रागिनी, अरे बचाओ, बचाओ मुझे। वे सभी भागते हुए आवाज की दिशा में गए। उन्होंने देखा कि अभय वॉशरूम के बाहर गिरा पड़ा है और जहाँ वो गिरा है वहाँ पर वही रहस्यमय पौधा है और वो पौधा अभय को अपनी ओर खींच रहा है। बचाओ मेरे दोस्तों, मुझे बचाओ, इस पेड़ से बचाओ। तीनों दोस्तों ने अभय को उस पेड़ के चंगुल से निकालने की कोशिश की लेकिन उनकी लाख कोशिश के बावजूद भी वो उसे उस रहस्यमय पेड़ से बचा नहीं सके और फिर वो पेड़ उसे खींचता हुआ हवेली के पीछे ले गया और कुछ ही पलों में अभय जमीन में समा गया। दोस्तों, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, मुझे ये हवेली कुछ सही नहीं लग रही है। हाँ शिवानी, तू सही कह रही है। यार वो लड़की कहाँ गई? वो तो कहीं नहीं दिख रही। तभी उन लोगों को एक कमरे से कुछ बातचीत की आवाज आई। वे सभी वहाँ दबे पांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि वो छोटी लड़की एक लाश के पास बैठी हुई है और उस लाश से बात कर रही है और वो उस लाश को बार बार माँ कहकर पुकार रही है। इस लड़की ने तो हमें कहा था कि इसकी माँ सो रही है लेकिन ये तो मर गई है। तभी वो बच्ची जोर से चीखती हुई बोली, मरी नहीं है मेरी माँ, वो सोई है, गहरी नींद में सोई है, पिछले 100 वर्ष से वो सोई है। तुम लोग इस हवेली को लेने आए हो लेकिन 100 वर्ष से हम रखवाली कर रहे हैं इसकी, किसी को नहीं कब्जा करने देंगे इस पर। 100 वर्ष? हाँ 100 वर्ष, अब तुम लोगों को भी मैं सुला दूंगी। उसके बाद वो बच्ची जोर जोर से रोने लगी और जैसे जैसे वो रोती वो हवेली भी रोने लगती और उस हवेली के आंसू जमीन पर गिरते और वो अंगारे में बदलते फिर उस रहस्यमय नरभक्षी पेड़ में। अरे ये क्या हो रहा है? इस लड़की की आंखों से निकले आंसुओं से ये अंगारे निकल रहे हैं और फिर उसी से ये पेड़ बन गया है। मुझे तो ये लड़की कोई चुड़ैल लग रही है। दोस्तों भागो यहाँ से। सुशांत, शिवानी और रागिनी बाहर की ओर भागने लगे लेकिन वो कांटे तो उनका पीछा कर रहे थे। रागिनी, ये कांटे हमारे पीछे आ रहे हैं। शिवानी दम लगाकर भाग, हमें इन कांटों से बचना होगा। वे तीनों उस पेड़ से बचकर भागने लगे लेकिन उन नरभक्षी पेड़ ने उन तीनों को अपने कब्जे में ले लिया और घसीटते हुए हवेली के पीछे ले गया और उन्हें भी जमीन के नीचे दफन कर दिया। रोती हुई उस हवेली ने फिर से 4 लोगों को अपना शिकार बना लिया था। सुनसान सड़क पर रात के समय राज्यवर्धन अपनी पूरी ताकत के साथ भागे जा रहा था। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। उसके मुंह से खून लगातार निकल रहा था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी किसी से लड़ाई हुई है और वो अपनी जान बचाकर भागे जा रहा था। राज्यवर्धन भागते भागते पीछे की ओर भी देख रहा था लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। लगातार भागते रहने से उसकी सांस अब फूलने लगी थी फिर भी वो भागे जा रहा था। अचानक उसका पैर सामने रखे एक बड़े से पत्थर से टकरा गया और वो चीख मारते हुए सड़क पर गिर पड़ा और उसका सिर सड़क से जा लगा। जमीन पर गिरते ही उसके सिर से खून निकलने लगा। तभी उसके सामने एक भूतिया मूर्ति जमीन को फाड़ कर बाहर निकल आई और उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। तुम यहाँ कहाँ तक भागोगे राज्यवर्धन, और कब तक भागोगे? मौत तुम्हें खींच कर अपने मुंह में ले ही जाएगी। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। राज्यवर्धन एक बार फिर से उठकर पूरा दम लगाकर भागने लगता है लेकिन भूतिया मूर्ति उसके पैरों को पकड़ कर खींच देती है। वो एक बार फिर से मुंह के बल गिर जाता है और उसका सिर एक पत्थर से टकरा जाता है। उसके बाद वो भूतिया मूर्ति उसके सीने पर सवार हो जाती है और उसका गला दबाने लगती है। छोड़ दो मुझे, मेरा दम घुट रहा है। तुमने भी तो किसी का दम घोटा है राज्यवर्धन, तुमने भी तो निर्दोष की हत्या की है। यहाँ जो बोओगे वही काटोगे। राज्यवर्धन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और उसके सामने कुछ घटनाएं घूमने लगी। भाई तुझे चढ़ गई है, ऐसा भी कहीं होता है क्या? राज्यवर्धन तू मेरी बातों पर विश्वास कर, ये 100% सच है। राज्यवर्धन और शेखर दोनों पक्के दोस्त थे, दोनों बिजनेस पार्टनर भी थे लेकिन उन दोनों को बिजनेस में करोड़ों का घाटा हो गया था। उन पर बहुत सारा कर्ज चढ़ गया था। लेनदार उन्हें बार बार फोन पर पैसे वापस देने के लिए कह रहे थे, कुछ फोन पर धमकी भी दे रहे थे और कुछ तो सामने आकर भी। अभी कल की तो बात है। राज्यवर्धन जी, शेखर जी,
अब आप लोग बड़े लोग हैं, इस तरह बीच बाजार आप लोगों को मारूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब पैसे ले लिए हैं तो उसे चुकाइए भी, क्यों दबा कर बैठे हैं हमारे सेठ के पैसे हैं? देखो ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, पहले भी तुम्हारे सेठ के साथ हमारा लेन देन हुआ है, करोड़ों रुपए उन्होंने दिए तो हमने वापस भी किए हैं। हम कहाँ इस बात से इनकार कर रहे हैं कि आपने दिए नहीं है, आपने दिए हैं तभी तो आप लोगों की सांसें अभी तक चल रही हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये सांसें हमेशा चलती रहें तो इस महीने की 30 तारीख को पूरे 3 करोड़ रुपए लेकर हमारे सेठ के पास पहुंच जाइएगा, नहीं तो आपको पता ही है ना कि हम कितने शरीफ लोग हैं। राज्यवर्धन और शेखर बहुत परेशान थे और उस दिन रेस्टोरेंट में शेखर ने राज्यवर्धन को जो बात बताई उसे सुन राज्यवर्धन को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब शेखर ने कहा कि एक नहीं पूरे 100 करोड़ का खजाना है वो, तो फिर तुम इस्तेमाल क्यों नहीं करते उसका है? यार हम लोग कितनी मुसीबत में हैं, तुम्हें पता है ना? पता है राज्यवर्धन, लेकिन मैं चाहकर भी उस खजाने से एक पैसा भी नहीं ले सकता। शेखर राज्यवर्धन से अपने पुरखों के उस खजाने की बात बता रहा था जो खजाना श्रापित था। मेरे दादाजी बताया करते थे कि आज से कई 100 साल पहले एक बार यहाँ बहुत भयानक अकाल पड़ा था, लोग अनाज के अभाव में मर रहे थे, लेकिन हम लोगों के पास बहुत सारा अनाज और सोना था, लेकिन हमने किसी की मदद नहीं की, जिससे गुस्सा होकर वन देवी ने श्राप दे दिया। तुम लोगों के पास इतना सारा धन और अनाज रहने पर भी तुमने जरूरतमंदों की मदद नहीं की, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि ये खजाना तुम्हारे भी किसी काम नहीं आएगा, आज से ये श्रापित खजाना है, इसका उपयोग तुम लोग या तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कभी नहीं कर सकेगी। वन देवी के श्राप का असर हुआ, शेखर के पुरखे चाहकर भी उस खजाने का उपयोग नहीं कर पाया। धीरे धीरे शेखर की आने वाली पीढ़ी उस खजाने को उस श्राप के कारण भूल गई, लेकिन आज परिस्थितियों ने शेखर को उस खजाने की फिर से याद दिला दी थी। शेखर वो श्राप तो तुम्हारे खानदान को मिला था ना, यानी उस श्राप का असर तुम पर या तुम्हारी आने वाली पीढ़ी पर ही रहेगा। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ यार तुमसे, शेखर अगर मैं उस खजाने को हासिल करने की कोशिश करूँ तो। राज्यवर्धन की बात का शेखर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पूरी रात वो उसके बारे में ही सोचता रहा। और अगले दिन जब वो राज्यवर्धन से मिलने पहुंचा तो यार मैंने तो इस तरह से कभी सोचा भी नहीं था, चल आज मैं तुझे अपने पुरखों का खजाना दिखाता हूँ और जब तू उसे हासिल कर लेगा तो फिर उससे सारे कर्जे उतार लेंगे और फिर एक नया और बड़ा बिजनेस शुरू करेंगे। शेखर उसे शहर से 300 किलोमीटर दूर वीराने में बने एक हवेली में ले गया। उस हवेली को देखकर ऐसा लगता था कि वो सैकड़ों साल पुरानी है, और उसे देखकर ऐसा भी लगता था कि उस तरफ कई सालों से कोई गया नहीं। शेखर उसे हवेली के अंदर के तहखाने में ले गया, पूरा का पूरा तहखाना सोने चांदी से भरा हुआ था। वहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति भी थी। राज्यवर्धन ने जब उस खजाने को देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ओह माय गॉड, ये सब असली है शेखर? 100% असली। चलो अब जल्दी से इसे समेटो, फिर इसे गाड़ी की डिक्की में भरकर निकालते हैं यहाँ से। लेकिन उस खजाने को देखकर राज्यवर्धन की आंखों में लालच आ गया और वो मन ही मन सोचने लगा, ये सारा का सारा खजाना मेरा है, इसे पाकर मैं सारी जिंदगी ऐश कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, मैं इसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। बस लालच के उस शैतान ने बरसों पुरानी दोस्ती का खून करने का सोच लिया और राज्यवर्धन शेखर का गला घोटने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो राज्यवर्धन, तुम मेरे दोस्त हो? दोस्त बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कहकर वो और भी जोर से शेखर का गला दबाने लगा। राज्यवर्धन याद रख, ये खजाना शापित है, हमारे पुरखों ने एक गलती की थी जिसका खामियाजा अब तक भुगतना पड़ रहा है, तू वो गलती मत कर। लेकिन राज्यवर्धन ने उसकी एक न सुनी और गला दबाकर उसे मार दिया। लेकिन मरने के साथ ही उसकी आत्मा उसकी मूर्ति में प्रवेश कर गई और उसे खींचकर एक तमाचा मारा, फिर मूर्ति जोर जोर से हंसने लगी। अरे ये मूर्ति कैसे हंसने लगी? राज्यवर्धन मैं शेखर हूँ, शेखर तूने दोस्त के साथ दगा किया है, उसके विश्वास का गला घोटा है, अब तू नहीं बचेगा। उस मूर्ति ने उस पर हमला कर दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए। राज्यवर्धन पूरी ताकत लगाकर उस मूर्ति से पीछा छुड़ाकर सड़क पर भागने लगा, आखिरकार वो उस मूर्ति के पकड़ में आ ही गया। शेखर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे यार, मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे नहीं चाहिए ये खजाना, नहीं चाहिए। लेकिन मूर्ति के अंदर स्थित शेखर की आत्मा ने उसकी एक न सुनी और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और हंसते हुए फिर से वही बात कही। यहाँ जो तू बोएगा
वही पाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।